कसम भाई आ गई गाड़ी। हाँ गाड़ी आ गई है, देखो अब 8 बजे लेक्चर है, 5 मिनट रह गए। सिर्फ 8 बजने में ना 5 मिनट रह गए और गाड़ी अभी आई है, तो बताओ अब लेक्चर हमने कब लेना है। हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर न्यू व्लॉग जी। आपका भाई एक और व्लॉग लेके आ गए हैं भाई। ओए टाइम बड़ा हो गया यार, बस निकल जानी है, तो आज का व्लॉग जो है यहीं से स्टार्ट करते हैं फटाफट, ना बस निकलना चाहिए, 10 मिनट बस रह गए तो फटाफट चलते हैं, ठीक है। बाकी व्लॉग जो है यूनिवर्सिटी जाके कंटिन्यू करते हैं। तुसी नहीं जाना, ओए आ जाओ यार, ओए यार आ जाओ यार, चुप कर गया, टाइम नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, क्या है भाई, ठीक हो? कासिम इमरान, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बंदे की शक्ल ध्यान ना देखो, बंदा नहीं खच। तो दोस्तों आप ये रोड देख सकते हैं जिस पे हम जाके हम इलम हासिल करने के जा रहे हैं, तो कासिम इमरान हमारे साथ हैं, तो आप बताएं कि इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। ये रोड इतना ख़राब है, रास्ते में इतने झटके लगते हैं, लेकिन हज़ूर पाक सल्लम का फरमान है इलम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। बिल्कुल ऐसा, और इसलिए हम इसी रोड पर बार बार हम जाते हैं, रोज़ाना जाते हैं, बिला नागा जाते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमें इस पर जाना ही जाना है। बिल्कुल, आप ये कंडीशन देख सकते हैं कि हम इतने ज़्यादा झटके लग लग के, हमें 1 घंटे से भी 1 घंटा लग जाता है ऑलमोस्ट, और फिर हम जाते हैं और जब घर हम वापस आते हैं ना ऐसा होता है कि हमें कोई बुलाए ना, हम बस लेट जाएँ और कोई बंदा सानू सदे ना, बस चुप करके सो जाए। जी कासिम साहब, बिल्कुल, पढ़ना कितने में है? नहीं पढ़ लेते हैं, अच्छा पढ़ लेते, थोड़ा पढ़ लिया तो माशाल्लाह अच्छी बात है। तो बस ये है कि अगर कोई ये वीडियो देख रहा है गवर्नमेंट, तो जल्दी से जल्दी जो रोड को है ना जल्दी से जल्दी तमीर करवाए, ताकि हमें जो है ना जाने में आसानी हो। और भी हाल ही ये तलीम के लिए नहीं है, और भी बहुत सारे काम के लिए जो रोड इस्तेमाल होता है, और ये मेन रोड है हमारा, रोजाना इस पर इतने एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट भी इतने होते हैं, कई कीमती जाने चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे क्या करें आप, तो ये रोड जल्दी से जल्दी बनवाएं ताकि जो है ना आवाम को आसानी हो। शुक्रिया कासिम साहब, ताड़ी खूबसूरती है रात की, माशा तुम एडे से चिट्टे, थोड़ा बच्चिया चार चार फिर होंगे यार, दो चम्मच दूध में मिला के बड़ी बड़ी मेहरबानी, मैं भी यार चिट्टिया होना हूं भैया, बच्चे छुट्टी सेट हो इस पे हम बैठेंगे और झटके खाते हुए यूनिवर्सिटी जाएंगे। लेकिन ये है कि गिफ्ट यूनिवर्सिटी की कोस्टर बहुत अच्छी है, एसी वगैरह की सहूलत है, तो हमें कोई इतना मसला नहीं होता है। टीम सरेआम टाइटल लग गया मिलू, तो हमारी बस ना अभी लेट आ रही, मल्ली साहब की वजह से बस बड़ी लेट हो, चनकना लेट आई है, सानू बस से चुला छड़े ने थल्ले। ए देखो मल्ली साहब इंचार्ज ने, एक मिनट इधर शक्ल दिखाओ, मल्ली साहब इंचार्ज ने बस दे इन्हें लाज तने, क्योंकि आज ना लड़के की बस जो है वो चली गई तो हमारी बस खराब होगी, तो हमें यहाँ पे इतनी देर इंतजार करना पड़ा। तो अभी हमारी बस आई है, हम इतना लेट हो गए, और लेक्चर्स भी थे हमारे, तो अब लेक्चर भी हमारे यहाँ आधा घंटा लेट होंगे, तो चलो फिर अब बस के अंदर बैठते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जो है ना बस से उतर गए हैं, बस हमारी यही नहीं बस ख़राब हो चुकी थी, और लड़कियों वाली बस पे हमें एडजस्ट करके 20 मिनट लेट हमें लेके जाया गया, और फिर भी हम जो है ना यहाँ पे हरदूगढ़ के पास जो है ना हमें ठहराया कि यहाँ पे बस आ रही है, और इसका लेक्चर है भाई का कितने बजे? 8 बजे लेक्चर, और अभी क्या टाइम हुआ? और अभी देखो 7:40 यहाँ ही हो गए, और साथ चलो इसका 8 बजे लेक्चर है, मेरा चलो है 11 बजे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का लेक्चर जो है अभी है, तो उनका लेक्चर नहीं होगा, तो आज हम बस में ऐसे जलील होकर इस आज हम सफर कर रहे हैं, तो कोई नहीं यार ये भी लाइफ ही होता है। मल्ली साहब काम हो रहा है, जो मैं ना आवा तो ना आवे, फुल शुगर लग रहा है यार, वेखो रक्शे च बैठे ने,
आवाम जो है ना बस यहाँ पे बैठ के इंतजार कर रही है कि कब जो है ना आएगी वैन, और देखते हैं जी कब आती है वैन और हम कहाँ यहाँ से। दोस्तों आज आपको ना दुनिया की सबसे महंगी तरीन जगह दिखाते हैं। अगर आपकी बच्ची आपको कहे कि मुझे दुनिया की सबसे महंगी जगह पे ले जाओ तो उसे यहाँ पे ले जाओ। क्यों कासम भाई मैं ठीक है? ये देखे ना पेट्रोल देखे 237 रुपए लीटर हो गया है। बिल्कुल ऐसा ये दुनिया की सबसे महंगी चीज जगह है। भाई आ गई गाड़ी? हाँ गाड़ी आ गई है। देखो अब 8 बजे लेक्चर है, 5 मिनट रह गए। सिर्फ 8 बजने में ना 5 मिनट रह गए और गाड़ी अभी आई है। तो बताओ आप लेक्चर हमने कब लेना है? तो आज हम तकरीबन घंटा लेट हो गए हैं ना, घंटा हमारा लेट हो गया और अटेंडेंस भी लग चुकी होगी। और अटेंडेंस भी लग चुकी होगी। चलो यार कभी कभी हो जाता है यार, प्रॉब्लम हो जाती है, कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आप एक दिन बच्चियां ना देखो, इतना ही सेमेस्टर है, रोता है कि आगे आगे देख होता है क्या। एक दिन बच्चियां ना देखोगे कुछ नहीं होगा यार, उसकी कोई परवाह नहीं है, मैं लेक्चर की परवाह है, लेक्चर की आपको जो परवाह है ना। तो दोस्तों अभी अभी जो है ना हम यूनिवर्सिटी पहुंचे और तकरीबन 8:30 का टाइम हो गया और भाई को टेंशन लगी हुई है कि मेरी क्लास है अटेंडेंस लेनी है। तो जाने लगा हूँ आप फिर जाओ, हाँ क्लास लो। तो मैं अभी जो है ना लाइब्रेरी में जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत काम कर लूँ, उसके बाद फिर जो होगा फिर आपको दिखाते हैं। सी यू। कासम भाई फुल स्पीड में जा रहे हैं जी, क्लास है इनकी, क्लास ना हो कहना चाह रहे हो? ਜਰਾ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਲਈ, ਵੇਖੋ ਕਾਲੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਾ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਜਾ ਸਾਬਣ ਮੰਗ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸਾਬਣ ਹੀ ਸਾਬਣ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਡਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਆ ਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਹੋਣਾ ਵੀ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ, ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈ ਨੇ। ਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਟ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੂੰ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦੋ, ਮੂੰਹ ਧੋ ਲੈ। ਲੋ ਫੇਸ ਵਾਸ਼, ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਆਹੋ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਧੋ ਲੈ। ਲੋ ਜੀ ਜੋ ਬੂਛੀ ਛੋਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੋ ਲਈਏ, ਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਥੋੜਾ ਕਦਾਬ ਖਾ ਰਹਾ, ਬਾਕੀ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਲੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਓਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਸੀ ਯੂ। ਸੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੇ ਅਭੀ ਹੋ ਲਿਆ, ਅਬ ਨੀਚੇ ਨਾ ਮੁਝੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੋ ਮੈਂ ਵਹਾਂ ਪੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਸਮਝਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੀ ਯੂ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੈ ਮੈਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਬ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਲੈਣੇ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਫੈਜ਼ਬ ਤੋ ਆਜ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਆਪਕੋ ਮੈਨੇ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ, ਤੋ ਫੈਜ਼ਬ ਜੋ ਵੋ ਆਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਜ ਫੈਜ਼ਬ ਕੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਤੋ ਮੈਂ ਅਭੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਤੋ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਸੀ ਯੂ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਅਭੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਕੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੂੰ, ਅਬ ਕਲਾਸ ਲੈਤੇ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸ਼ੁਗਰ ਮਿਲਾ ਹੋਗਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਤੋ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਚਲਤੇ ਹੈ। ਸੀ ਯੂ ਗਾਇਜ਼। तो दोस्तों अभी जो है ना क्लास वगैरह ले लिया, मुझे फिर से टकर गया। और ये देखें ये टिश्यू की बातें कर रहा है, टिश्यू होना पड़ेगा, पागल टिश्यू दे दो, वो वाला पागल टिश्यू दे दो, इंडियन रेस्टोरेंट इसको लेके जाना पड़ेगा। चार बजे मिलते हैं, वीडियो वगैरह बनाएंगे। हाँ तो अभी मेरी क्लास खत्म हो चुकी है, अब नेक्स्ट क्लास मेरी 2 बजे। तो ये ना क्लास क्लोज नहीं खत्म हुई, बच्चियों के पीछे जा रहा है। सो क्लास जो है ना वो तो ले लिया, तो अब आज लगी हुई मुझे बहुत ज़्यादा भूख, और फैज़ल तो आया नहीं है, तो अब मैं खाना खाने उसके साथ जा नहीं सकता, तो आज जो है मुझे लड़कियों के साथ जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए। पर पैसे अपने अपने, ना मैं खवाना ना मैं खाना, तो मैं अब खाना वगैरह खा लूँ, तो फिर उसके बाद मिलते हैं। सो दोस्तों क्लास वगैरह जो है ना अभी ले लिया, दोनों क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, फैज़ल तो आ जाया नहीं था, तो आज अकेले ही क्लासेस वगैरह ली हैं, तो अब मैं वैसे इंजॉय करने के लिए जा रहा हूँ। तो बाकी आज का व्लॉग बस इस तरह ही गुजरा है, इतना खास शायद इंजॉय नहीं हुआ। तो thank you।
अभी जो है ना 6:30 हो गए हैं, 6:30 हो चुके हैं और हम अभी घर पहुँचे हैं। तो आज का व्लॉग जो है ना थोड़ा बहुत ही ना इतना बड़ा आज का भी व्लॉग नहीं है, तो ये व्लॉग आपको कल मिलेगा। अभी मैंने पिछला व्लॉग एडिट भी करना है तो उसको फिर अपलोड करूँगा। तो व्लॉग को खत्म करें यहीं पे। तो बस आप ये रोड देख सकते हैं, कसम से हम इतना मतलब थक के आते हैं यहाँ से। तो आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।